एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिर से इंडिया में रेप के कंडीशंस के बारे में, गिल्टीज को क्या सजा होती है। हर एक 16 मिनट के बाद इंडिया में एक रेप का केस रजिस्टर्ड होता है, मतलब ऑन एन एवरेज बात करें तो 88 केसेस इंडिया में रजिस्टर्ड होती हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा के हिसाब से 2019 में 32,033 केसेस इंडिया में रजिस्टर्ड हुई, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या रेट है इंडिया में रेप का। इंडिया में 88 केसेस पर डे रजिस्टर्ड होने के कंडीशन के हिसाब से जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जो सज़ा होती है, वो केवल 30% है। ऐसा क्यों होता है उसके बाद लोग आगे वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक डेटा है। 2013 तक इंडिया में रेप को कोई मेजर क्राइम ही नहीं माना जाता था। 2013 में एक एंटी रेप बिल आया, जिसके हिसाब से IPC के सेक्शन 376 के हिसाब से अगर कोई भी रेप केसेस में विक्टिम पाया जाता है, दोषी पाया जाता है की बात कर रहा हूँ, तब उसको जाके 7 साल की सज़ा होती है और उसको फांसी भी हो सकती अगर विक्टिम की डेथ हो गई तो। ये हमारे पास कानून है, 2013 के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा। 2013 के पहले कोई ऐसा मेजर जो है उसको इसमें मतलब क्राइम में ही नहीं रखा जाता था। अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबली ऐसा क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ में क्या लॉज एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम ईरान की। ईरान में जो अगर रेपिस्ट होता है उसको 4 दिन के ट्रायल पे भेजते हैं और 4 दिन के अंदर ही उसका कन्विक्शन रेट आने के बाद जो है जो ये ऐसा काम किया रहता है उसको फांसी दे दी जाती है, या तो उसको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देते हैं। और ईरान में एक सबसे बेस्ट लॉ ये है, जिसके साथ आप रेप किए रहेंगे गोली वही मारेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ विच आई थिंक। सेकेंड इज़ सऊदी अरबिया, वहाँ पे अगर आपने रेप किया होगा तो उनके यहाँ सरिया कानून चलता है, जिसके हिसाब से आपको गोली मार दी जाएगी या तो फांसी की सज़ा हो जाएगी। एक है कंट्री नॉर्थ कोरिया, क्राइम रेट 0। नॉर्थ कोरिया में अगर आपने रेप किया हुआ है तो आपको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते हैं। अब बैक आते हैं इंडिया में, 2013 से पहले क्या होता रहा होगा, क्या नहीं होता रहा होगा, उसके बारे में देखते हैं। लॉज ही नहीं एग्जिस्ट करते थे 2013 के पहले, और हमारे देश में आज भी अगर रेप जिसने किया है वो प्राउडली घूमता है, जिसका हुआ रहता है उसको सोसाइटी बायकॉट कर देती है। तो ये सब लॉज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉक्सो एक्ट, इस लॉ के हिसाब से जो है अगर आप 18 साल से कोई लड़की कम है या 18 साल के बराबर है, अगर आपने उसके साथ बिना उसके सहमति का या सहमति के हिसाब से भी अगर आपने उसके साथ सेक्स किया होगा तो भी आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मतलब कार्रवाई होती है। होती कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 88 केसेस रजिस्टर्ड होने के बावजूद 30% इंडिया का कन्विक्शन रेट है। तो आप सोच सकते हैं कि 100 लोगों में अगर रेप की केसेस रजिस्टर्ड होती तो 30 को ही आपको क्या होती है, सज़ा होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो इंडिया में रेप के अगेंस्ट में लॉ में एग्जिस्ट करती है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, सेम रीज़न है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे सनबीम लहरतारा के केस के अंडर में, तो उसके हिसाब से भी मैंने सोचा कि एक और बना लेते हैं कि लॉज क्या एग्जिस्ट करते हैं और ये कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको लगा होगा ये कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, और उसके नीचे जो है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जो 3 कंट्रीज़ मैंने बताई या आपके पास कोई ऐसी कंट्री जिसमें इससे स्ट्रिक्ट रूल एग्जिस्ट करते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। टिल दैट टेक केयर।